इस बार जीवाजी यूनिवर्सिटी में एमए एक्सटेंशन एंड एजुकेशन एंड सोशल वर्क में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आपने ग्वालियर सेंट्रल जेल में भी विजिट किया है, तो वहाँ क्या कुछ किया है वहाँ पर? जाने से पहले मेरा जेल के बारे में एक अलग ही परसेप्शन था, जिससे कि वो वहाँ से निकलें और एक अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। आपका सपना क्या है? मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। और आपको पता है कि आपके पापा एक ऐसे फील्ड से आते हैं पत्रकारिता जगत में, जिसमें तमाम आरोप भी लग सकते हैं। कितना डर के आगे जीत होती है, तो जब तक हम मतलब जंग में उतरेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, अगर डर जाएंगे तो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। कितनी बहनें हैं अपने परिवार में? हम चार बहनें हैं। भाई? भाई एक नहीं, एक भी नहीं, हम चार बहन हैं। भाई की याद आती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। कभी ऐसा फील होता है आपके पापा को कि मेरा कोई बेटा होता तो मेरी जिम्मेदारी को संभाल पाता आगे चल के? होते हैं, हम बेटा बनना भी नहीं चाहते, हम बेटी हैं और बेटी बनकर ही रहना चाहते हैं। बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेंगे? हम बनेंगे ना। अस्तित्व की आग को मुझसे बिन पूछे ही दफनाया था, मैं लड़ती रही खुद से, सकारात्मक बदलाव का अंधेरा घनेरा था, मेरे अस्तित्व की आग में अभी चिंगारी बाकी है, मैं लड़ूंगी पता नहीं कब तक, लेकिन अभी लड़ाई जारी है। जनअदालत से मैं हूं राजा भैया पाल, मैं इस समय लहार विधानसभा में हूं, जहां पर लहार विधानसभा क्षेत्र की सबसे गौरवशाली बेटी के पास आज हूं, जिन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, लहार का नाम रोशन किया है। आस्था त्रिपाठी पत्रकार राजू त्रिपाठी की बेटी है और श्रीनिवास त्रिपाठी लहार के वरिष्ठ पत्रकार उनकी ये नातिन है। आपकी जनअदालत में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आस्था त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी में इस बार दीक्षांत समारोह में टॉप किया है एमएसडब्ल्यू में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक आपको देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने इस बार जीवाजी यूनिवर्सिटी में एमए एक्सटेंशन एंड एजुकेशन एंड सोशल वर्क में स्वर्ण पदक हासिल किया है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप धैर्यता के साथ लगातार तैयारी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जी, तो थोड़ा विस्तृत अपन चर्चा कर लें, तो इस पर आपने टॉप किया है उसके अंदर क्या कुछ आता है और क्या क्या किया है आपने? जी बिल्कुल, ये एक तरीके का सोशल वर्क है, समाज सेवा, जिसमें हम अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जैसे कि हमने कई ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि वुमेन स्टडीज़, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और अलग अलग फील्ड में जाकर काम भी किया है। जैसे कि ग्वालियर में हमने कई सारे एनजीओस के साथ में काम किया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम किया है, आंगनवाड़ीज के साथ काम किया है, और हमने वहाँ पर जैसे कि रेलवे चाइल्डलाइन, सिटी चाइल्डलाइन, उनके साथ में भी हमने काम किया है, और कई सारी अलग अलग जगह पर फील्ड विजिट्स भी किए, जैसे कि सेंट्रल जेल, जन विकास एनजीओस के साथ में हमने कई जगह जाके फील्ड विजिट्स किए, और उनके बारे में हमने फील्ड में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोगों को फील्ड में जाके समझने की कोशिश की। आपने ग्वालियर सेंट्रल जेल में भी विजिट किया है, तो वहाँ क्या कुछ किया है वहाँ पर आपके बच्चों को? वहाँ पर हमने सिर्फ विजिट की, हमने की कोशिश की कि कैसे क्या होता है। वहाँ पर जाने से पहले मेरा जेल के बारे में एक अलग ही परसेप्शन था, और वहाँ पर जाने के बाद मेरा पूरा परसेप्शन वहाँ पर चेंज हो गया। जैसे कि हम कहते हैं कि वो जेल नहीं, एक सुधार केंद्र है, जहाँ लोगों को सुधार एक ऐसा माहौल बद दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ से निकलें और एक अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। जैसे कि वहाँ पर उनको अलग अलग तकनीकी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे कि वो वहाँ पर ही रहकर अपना रोज़गार हासिल करते हैं, जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उनको उसका पेमेंट मिलता है। 2023 में आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आपको स्वर्ण पदक मिला है, और मध्य प्रदेश की राज्यपाल द्वारा आपको सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला है आपको। इस अवार्ड को लेकर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में और आपके क्षेत्र में कैसा फील किया है, लोगों ने क्या कुछ कहा है? सभी लोगों की काफ़ी विशेज आ रही थी, लोग आकर मिल भी रहे थे, है ना, और उन सभी लोग बहुत खुश हैं, घर वाले भी, घर पे भी सभी लोग बहुत खुश हैं, और ये चीज़ देखकर मतलब थोड़ा प्राउड फील होता है, और ऐसा महसूस होता है कि अभी तो कुछ हासिल नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना है, और ये थोड़ी थोड़ी जो हमें विशेज मिलती हैं, इनसे हमें आगे की प्रेरणा मिलती है कि अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है। जो आपका सब्जेक्ट है एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड सब्जेक्ट है आपका, ट्रेन में जो बच्चे निकल करके आते हैं, कहीं ना कहीं लावारिस बच्चे होते हैं, ट्रेन में भीख मांगते हुए दिखाई दे जाते हैं, कई जगह बाज़ार में मिल जाते हैं, भीख मांगते हुए मिलते हैं, तो किस तरीके से आप उनके लिए काम करना कर रही हैं, करती हैं? एक्चुअली इसके लिए काफ़ी सारे एनजीओज हैं, ग्वालियर में भी हैं और देश के हर जगह ऐसे एनजीओज हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड लाइन, सिटी चाइल्ड लाइन भी है और रेलवे चाइल्ड लाइन भी है, वो
जैसे कि जो भी बच्चे हैं जिन उनको वो पहले रेस्क्यू करती है, फिर उन बच्चों को वो एक CWC कमेटी रहती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उनके सामने उनको पेश किया जाता है, फिर वो वहाँ से उनको जजमेंट देते हैं। उतने टाइम के लिए वहाँ पर एक वन स्टॉप सेंटर है जहाँ उनको रखा जाता है, फिर वहाँ से उनका फैसला होकर उनको एक सही डायरेक्शन दी जाती है, उनके पेरेंट्स को समझाया जाता है, और नहीं होता तो उनको उनके लिए जो गवर्नमेंट कर सकती है या वो कर सकते हैं वो सारी सहायताएं उनको दी जाती है। जी, तो अभी तक कितने एनजीओ में आप काम कर चुके हैं? काफ़ी एनजीओ में मैंने काम किया है, कई फील्ड विजिट्स भी की है, ग्वालियर में अभी तक ग्वालियर में ही किया है और कुछ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है सब। अब अगला पड़ाव क्या है आपका? अभी तो मैं ज्ञान एकत्रित करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बिना ज्ञान के हम कई बार चीज़ें उतने इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकते जितना हम कर सकते हैं। तो अभी मेरी वही कोशिश है कि मैं पढ़ूँ और पढ़ूँ और चीज़ों को समझूँ, एनालाइज करूँ और फिर उस फील्ड में और भी काम करूँ, और जितना अभी हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ अपने तक, और बाकी मैं पहले कुछ पढ़ लूँ कर लूँ फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं आगे आपका सपना क्या है? मुझे IAS ऑफिसर बनना है और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। आप पॉलिटी भी बहुत अच्छी लिखती हैं, कई अखबारों में और उस पर देखा है, हमने सुना है आपको, एक बार हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे किस विषय पर आपने लिखी है पोइट्री? मैंने कई विषयों पर पोइट्रीज और मतलब कविताएँ लिखी है, लेकिन मेरा जो मेन विषय रहता है वो महिलाएँ हैं, महिलाओं पर मैं ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ, बाकी मैंने हर क्षेत्र में लिखने की कोशिश की है। जी, एक बार सुनना चाहेंगे कविता? जी, मैंने एक कविता लिखी थी महिलाओं के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में पब्लिश भी हुई है, जिसका शीर्षक है बदलाव। बदलाव, मेरी स्थिति का बदलाव देखा, क्या तूने मेरी कल्पनाओं का चुनाव देखा? मैं थी शक्ति, भक्ति का संचार थी मैं, बदलाव तो भारी था, ज्वाला तूफा मेरे अंदर जारी था, मैं पढ़ती थी, मैं लिखती थी, अंगारों में जलकर पकती थी, अस्त्र शस्त्र भी थे मेरी ढाल, हर विद्या में कुछ नया सा मैं रचती थी, पिता की मैं शान, भाइयों की मैं जान, समाज का एक सुनहरा हिस्सा थी, खामोशी तब कहाँ मेरा गहना था, सिर्फ तस्वीरों में ही पहना था, मेरे हिस्से की जमी थी, उस पर मैंने कईयों घोड़ सवारियाँ की थी, अब वहाँ लाशों का ढेरा है, सूरज की किरणों तक का बंटवारा घनेरा है, बदला रूप तेरा था, पर्दा किया मेरा था, मेरे तेरे कदमों की भटकने मेरे कदमों को जकड़ा था, मैं कहाँ भूली वो लाशें जिसे तूने पत्नी धर्म कहकर जलाया था, मेरे अस्तित्व की आग को मुझसे बिन पूछे ही दफनाया था, मैं लड़ती रही खुद से, सकारात्मक बदलाव का अंधेरा घनेरा था, मेरे अस्तित्व की आग में अभी चिंगारी बाकी है, मैं लड़ूंगी पता नहीं कब तक, लेकिन अभी लड़ाई जारी है। इस अवार्ड को लेकर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में और आपके क्षेत्र में कैसा फील किया, लोगों ने क्या कुछ कहा है? सभी लोगों की काफ़ी विशेज आ रही थी, लोग आकर मिल भी रहे थे, है ना, और उन सभी लोग बहुत खुश हैं, घर वाले भी, घर पे भी सभी लोग बहुत खुश हैं, और ये चीज़ देखकर मतलब थोड़ा प्राउड फील होता है और ऐसा महसूस होता है कि अभी तो कुछ हासिल नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना है, और ये थोड़ी थोड़ी जो हमें विशेज मिलती हैं इनसे हमें आगे की प्रेरणा मिलती है कि अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है आगे। आपका सपना क्या है? मुझे IAS ऑफिसर बनना है और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। आपको लगता है कि IAS ऑफिसर बनने का जो सपना है, आपके पिता आपका साथ देंगे इस सपने को साकार करने? बिल्कुल, अभी तक उन्होंने दिया है और अभी वो दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। बिल्कुल। फाइनेंशियल परेशानी आ सकती है? अगर आती भी है तो वो हम तक पहुंचने नहीं देते हैं हमें, मतलब कई अभी तक तो अभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, और ऐसा कुछ होता है तो वो क्या है कि हम बाहर रहते हैं और वो यहाँ रहते हैं, वो मतलब अगर हम जैसे कि अभी पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो अगर हम फ़ोन करके पूछते भी हैं तो वो हंसकर यही कहते हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, अभी आप तैयारी करो। पापा जब मायूस होते हैं, कभी कभी नर्वस होते हैं, तो उनको कैसे आप डील कर पाती हैं? जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। पर हमारे यहाँ पर एक रूल है कि हम बाहर रहते हैं, हम चारों लोग मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग जगह रहते हैं, तो मम्मी पापा ने एक रूल बनाया है कि हम दिन भर में जो भी करते हैं शाम को आके एक कॉल करना कंपलसरी होता है, सभी लोग आपस में बात करते हैं, जो भी हमारे दिन में हमारे साथ हुआ है या फिर जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ के बारे में हम साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो बात करना जरूरी है। कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो बात नहीं करते हैं, अक्सर बच्चे जो है मोबाइल में खोए रहते हैं,
घर पे आते हैं तो मोबाइल चलता है, बाहर रहते हैं तो मोबाइल चलता है, माता पिता से बात करने का उनके पास कोई टाइम ही नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आज के टाइम पर ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम पेरेंट्स हमें समझेंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम पहले अपने अंदर ये धारणा बना लेते हैं कि हम ऐसी बात उनसे बोलेंगे और वो मतलब जनरेशन गैप है इसलिए जो हम कहना चाहते हैं वो समझेंगे नहीं, तो हम ऐसे बाहर कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने लगते हैं और शायद वो सही भी नहीं होती। हो सकता है कई बार वो चीज़ें सही निकल जाएँ, लेकिन एक जो सही रास्ता है वो हमें हमारे पेरेंट्स ही दिखाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ बात करना ज़रूरी है। एक बार कैसा फील करती हैं अपने परिवार को लेकर? बहुत गर्व महसूस होता है जब पापा को देखती हूँ कि वो लाहौर में रहकर कई लोगों को सही राह दिखाते हैं और बहुत सारे अलग अलग जगह पर काम करते हैं, तो वही एक चीज़ थी जो मेरे को प्रेरित करती है इस फील्ड में जाने के लिए। उनको देखती हूँ तो लगता है कि अगर मतलब वो ऐसा कर सकते हैं तो शायद मैं भी उनको देख के बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपको पता है कि आपके पापा एक ऐसे फील्ड से आते हैं पत्रकारिता जगत में जिसमें तमाम आरोप भी लग सकती है भ्रष्टाचार को लेकर इस वक्त लेकर के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके अपने पापा के बारे में? जैसे कि ना डर के आगे जीत होती है, तो जब तक हम मतलब जंग में उतरेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, अगर डर जाएंगे तो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप मानते हैं कभी कभी इस फील्ड में जब आपने जंग की बात कर दी तो तमाम धमकी भी आती हैं? बिल्कुल, लेकिन अगर हम ऐसी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, अगर हम इन चीज़ों से डर जाएंगे तो हम इस फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस फील्ड में जाना है तो इस दृढ़ता के साथ जाना है कि काम करना है, तो बाकी कठिनाइयों का सामना खुद ही करना पड़ेगा। आप श्रीनिवास त्रिपाठी की नातिन भी हैं, वो भी एक पत्रकार रह चुके हैं, समाज सेवा में रह चुके हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी उनको देखकर ही बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। वो जैसे कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया और वो उन्होंने मतलब पढ़ाई को हमेशा महत्व दिया। वो एक ऐसे व्यक्ति हमारे घर में मतलब हमेशा से उनका घर में सभी लोग पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि मेरे पापा ने बाबा ने उन्होंने हमें स्टार्टिंग से ही बाहर भेजा पढ़ने के लिए, उनको लगा कि हम खुद से चीज़ें करेंगे। पापा कभी हमें मतलब हर चीज़ में टोकते नहीं, उनको पता है वो मतलब एक भरोसा दिखाते हैं हमारे ऊपर और वो भरोसा हमारी मतलब ताकत है। हमें पता है कि वो हम पर भरोसा दिखा रहे हैं तो हमें उस भरोसे पे कायम उतरना है। आप घर में कितनी बहनें हैं अपने परिवार में? हम चार बहनें हैं। भाई? भाई एक नहीं, एक भी नहीं, हम चार बहनें हैं। भाई की याद आती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम चार बहनें हैं और प्राउडली हम चार बहनें हैं और हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। कभी ऐसा फील होता है आपके पापा को कि मेरा कोई बेटा होता तो मेरी जिम्मेदारी को संभाल पाता आगे चल के? मुझे तो नहीं लगता कि उनको ऐसा महसूस होता है और हम ऐसा महसूस होने भी नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेटी की तरह उनके साथ में खड़े रहें और उनकी सारी उम्मीदों पे खड़े होते हैं। हम बेटा बनना भी नहीं चाहते, हम बेटी हैं और बेटी बनकर ही रहना चाहते हैं। बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेंगे फिर? हम बनेंगे ना बेटा, मतलब सिर्फ बेटे होने से मतलब बुढ़ापे का सारा हम जोड़ देते हैं कई बार कि बेटा है तो वही बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज के टाइम पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल मतलब जिस तरीके से बेटे साथ देते हैं हम भी उनका पूरी तरीके से साथ देंगे। आज के परिवेश में अक्सर देखा जाता है कि बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, बेटियाँ घर में ही रहती हैं, तो ऐसे माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि हमें ना अभी इक्वालिटी का ज़माना है जहाँ पर हम समानता की बात करते हैं, जहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं होता। जितनी कैपेबिलिटीज़ लड़कों में होती हैं और उतनी ही कैपेबिलिटीज़ लड़कियों में भी होती हैं, बस बात होती है भरोसे की। हमें उन पर एक भरोसा दिखाना है और एक जो छोटा सा भरोसा अगर हम उनको दिखाएंगे तो वो उस भरोसे को अपने साथ लेकर वो सारी कामयाबी पा सकती हैं जो एक बेटा पा सकता है। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, जब लड़कियां या बेटियां कामयाब हो जाती हैं तो वो अपने पसंद का जीवन साथी का चुनाव कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता को उस समय बड़ा धक्का लगता है, तो उनको क्या सबक देना चाहेंगे आप? नहीं, ये चीज़ दोनों साइड से होती है, मतलब पेरेंट्स तो हमारे लिए मतलब सर्वोपरि होते हैं, उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं होता क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है और एक सही राह दिखाते हैं, और जो कामयाबी आज हम पा रहे हैं उसके पीछे हमारे माता पिता का हाथ होता है और हमारे आगे आने वाले भविष्य में भी उनका साथ होना और उनका आशीर्वाद होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका घर में शोषण होता है और जिनको आज़ादी नहीं मिल पाती है, समाज सेवा करना चाहती है, कैसे वो अपना सपना साकार कर पाएंगे? बिल्कुल, उसके लिए ना हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस कई बार ऐसा होता है कि वो आवाज़ बाहर नहीं आ पाती है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनको
इस तरीके से अवेयर कर सके कि वो खुद के लिए इंडिपेंडेंटली खड़ी हो सके और वो आवाज़ उठा सके। वो आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं आएगी और वो हाथ नहीं बढ़ेगा, तब तक कई बार मदद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो आवाज़ को बाहर निकालना ज़रूरी है। आप IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं, तो एक IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं, इसके क्या कर्तव्य होते हैं, आप कुछ बता पाएंगे? जी बिल्कुल, IAS ऑफिसर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि कई बार हमें वो अथॉरिटी नहीं मिलती जो हम अपने लेवल पर हम अगर काम करते हैं, और शायद मैं उस अथॉरिटी के साथ लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकूँ उस फील्ड में जहाँ मैं करना चाहती हूँ। और IAS ऑफिसर बनने के लिए हमें मतलब एक एग्ज़ाम है UPSC, उसको क्लियर करना होता है, और उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है और एक खुद की स्ट्रेटजी बनानी होती है। मैं अभी तो मैं इस फील्ड में नहीं हूँ और कोशिश कर रही हूँ और आगे करने की कोशिश। कितना भरोसा है कि आप IAS ऑफिसर बनेंगी? इसका तो भरोसा किसी को नहीं होता उतना, हम अपना 100% दे सकते हैं और बाकी इसका मतलब इतनी कॉन्फिडेंस है तो कोई नहीं कह सकता कि हम IAS ऑफिसर बन सकते हैं। अगर मैं IAS ऑफिसर बनी तो उस फील्ड में काम करूंगी अथॉरिटी के साथ, अगर नहीं भी बनी तो मैं अपने लेवल पर काम करूंगी। अभी लहार की आस्था त्रिपाठी को स्वर्ण पदक मिला है, जीवा यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया है। बहुत सी आस्था त्रिपाठी इस समय आपको देख रही हैं आपकी जनाधार न्यूज़ के माध्यम से, उनको भी स्वर्ण पदक मिले उसके लिए उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जी इसके लिए हमें ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा है कि हम ये नहीं कि हम आज पढ़ लिया हमने और फिर हम 2 दिन बाद और फिर या 3 दिन बाद हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हमें लगातार कुछ समय के लिए उस चीज़ को लगातार रखना होता है। और उसमें हमें अपनी खुद की स्ट्रेटजी, हम जब खुद की किताबें लेके खुद के साथ बैठते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, लोगों को सुनकर चीज़ों को नहीं करना है, खुद को एनालाइज करना है, खुद को समझना है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और फिर आगे बढ़ना है। जी आखिरी सवाल करना चाहेंगे, ये सवाल लहार के लिए नहीं है, पूरी देश की बेटियों के लिए है। एक कामयाब बेटी बनने के लिए जिसका कोई भाई नहीं है, 6 बहनें 7 बहनें, एक पिता जब सोचता है कि 6 लड़कियां हैं हमारा सहारा कौन बनेगा या हमारे जो सपने साकार कौन करेगा, तो उन पिताओं के लिए आप क्या डायरेक्शन देना चाहेंगी या उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिनका कोई भाई नहीं है, जो घर में अकेली हैं और वो अपने पिता का सपना साकार करना चाहती हैं, कामयाब बनना चाहती हैं, क्या मोटिवेशन टिप्स देना चाहेंगी, आखिरी सवाल? जी इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसा। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा करना है और बच्चों को खुद के ऊपर कि वो कर सकते हैं। कई बार हमें मोटिवेशन हमें बाहर से नहीं अंदर से लेकर आना होता है। जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर नहीं सकते, बस उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि जो रिग्रेट ना करने वाला जो रिग्रेट होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है, और अगर आप करके हार जाते हैं ना वो इतना पेनफुल नहीं होता, तो कोशिश करने में क्या जाता है, तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा दिखाना ज़रूरी है, अगर वो भरोसा दिखाएंगे तो उनके बच्चे ज़रूर बहुत कुछ कर जाएंगे। तो भरोसा करने की ज़रूरत है उन सभी माता पिता को अपनी बेटियों पर, वो बेटियां भी आस्था त्रिपाठी की तरह स्वर्ण पदक विजेता हो सकती हैं, स्वर्ण पदक उनको भी मिल सकता है, और वो जीवा यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तो वो अपने सपने में हर जगह उन्नति हासिल कर सकती हैं। बेटियों को समझने की ज़रूरत है, मैं अक्सर कहता रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक आप अपने मिशन में सफल न हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बगैर ही जज करनी होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश कीजिए। निश्चित तौर से लहार से आती हैं राजू त्रिपाठी, उनकी आज बेटी आस्था त्रिपाठी ने जीवाजी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में इस बार टॉप किया है। इसी को लेकर ये खास इंटरव्यू आपकी जनअदालत न्यूज पर था। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जुड़े रहिए आपकी जनअदालत न्यूज के साथ। नमस्कार, इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जनअदालत के साथ। नमस्ते, मेरा नाम आस्था त्रिपाठी है और आज मैं आपकी जनअदालत न्यूज़ से बात कर रही हूँ। ये चैनल सभी लोगों की आवाज़ को उठाता है, जो लोग कामयाबी के स्तर को पा रहे हैं या फिर जो महिलाएं जिनको प्रेरित करने की के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके और कमेंट कीजिए। थैंक यू।